अजी प्रशासन तो बैठे लग रहे हैं और बैठे नेते हैं जो वहाँ बैठे हैं, छोटे मोटे बैठे बापड़ा तावड़ा में बैठे नेता नांगड़ा, यहाँ की कोई सुन रहे को देश के लिए मरा है बंदा? ऐसे साधारण पूछा गया जब कोई तरंगा नहीं, कोई देश के लिए मरा है वो, या कोई समझ में नहीं आती है? गोलमोल बना रखा है सारी दुनिया को। पत्ता ही खाना चाहता हूँ मेरा भाई, अरे प्रशासन आवे और इसकी दर्जा मिल जाना चाहिए। और 20 साल का जवान जिसके अभी डाडी करना उसने शुरू नहीं किया था, बहुत बच्चा सा, आपने फोटो देखी होंगी, और कितने दुख की बात है उस परिवार के लिए और हम सबके लिए कि उसको सम्मान ही नहीं मिल रहा और उसके साथ बहुत गलत हुआ है और उसका हम कारण जाने बिना यहाँ धरना खत्म नहीं करेंगे। हुआ है ये इस हिंदुस्तान के इतिहास में काला दिन है। फ्लिक का होली धमाका कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स पाएं मात्र 3500 रुपए में। ऑनलाइन पढ़ने के लिए फ्लिकी ऐप डाउनलोड करें, ऑफलाइन ज्वाइन करें गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, मैं खुशबू जल को सिक्कर पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई श्री माधोपुर क्षेत्र में, झाड़ली गांव आवा है और बठे ही एक ठिकरिया की ढाणी आवा है। बढ़िया कोई बेटो लाल जो नाम है विक्रम यादव, उम्र है 20 साल। बाकी एक फोन आवा है बठे बाकी ड्यूटी ही वा जम्मू कश्मीर में बाकी ड्यूटी ही बताना चाहूँगी थाने सीधा सीधा शब्दम कि इजा काफ़ी लोग ही भाई इजा इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मैं बताना चाहूँगी भाई ये फौज में आदमी जा है तो बिन की तरीकाओं बुर रहा है और की तरीकाओं से देखा कि भाई शहीद हुआ है या कुछ भी हुआ है तो भी को एक शहीद को सम्मान है वो करो जाहिर। और अठे मैं बताना चाहूँगी कि भाई कुछ भी यहाँ को कोने हुए है एक बाकी पिताजी का फोन आयो बाकी भाइया का फोन आयो और कुछ ही तरीका का ही बयान बदला गया कि भाई कोरोना पॉजिटिव ही और कई लोग बोला कि भाई बठे में फोन आ कि शब्द बदला गया शहीद होगा ही, कई बोले कि सुसाइड करो है तो काफ़ी लोग इजा इकट्ठा हो रहे हैं। बाहू बातचीत करेंगे। मैं इस मामले में आपको व्यक्तिगत सारी जानकारी स्टेप बाई स्टेप अवगत करवा देता हूँ। मैं विकास खैरवा भारतीय थल सेना से रिटायर्ड हूँ और विक्रम यादव जो शहीद हुए हैं वो मेरे ही पड़ोसी झाड़ली गांव से हैं और सबसे पहले उनके पिताजी को सूचनाएं दी गई सेना की तरफ से, अलग अलग सूचनाएं, कभी कोरोना की बात करते हैं कभी गोली लगने की बात करते हैं। 23 तारीख को हुआ है कि व्यक्तिगत जिस आदमी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है उसको पोस्ट पे ड्यूटी पे नहीं रखा जाता है और जवान के गोली लगने से मौत हुई है और उसको सेना ने सुसाइड बताया कि जवान ने सुसाइड कर लिया। सेना ये कहती है कि कोरोना पॉजिटिव थे और हमने नेगेटिव करवा कर आपको बॉडी दी। तो यहाँ तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं कि जो 20 साल का जवान था और भारत के जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड पोस्ट उड़ी सेक्टर में 21 कुमाऊं में जो जवान तैनात था और उसके लिए जो यथावस्थ कारण किस कारण से उसकी मृत्यु हुई और उसको न्याय मिले इसके लिए सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना की तरफ से अलग अलग बयान जारी किए गए। उनके पिताजी को 4-5 बार स्टेटमेंट बदला गया और यहाँ तक भी ये कहा गया कि आप यहाँ आ जाइए और उसका अंतिम संस्कार हम वहीं पर कर देंगे। तो ये सेना कि हर संभव जिम्मेदारी बनती है कि उसकी डेड बॉडी उसके घर सम्मान के साथ पहुंचाई जाए और इसमें तथ्य कुछ अलग हैं इसलिए ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और सेना के सिर्फ 2 ही जवान आए हैं, वो भी कोई वर्दी भी नहीं है ना कोई सेना का व्हीकल है और कोई सम्मान की बात नहीं है और वो बात करने से बैठ रहे हैं कि उनको भी अधिकारियों के द्वारा मना कर दिया गया है। सच्चाई क्या है? अभी हम इस मांग पर यहाँ सब लोग धरना प्रदर्शन जब तक खत्म नहीं होगा खत्म नहीं करेंगे। सबसे पहले तो जवान का पोस्टमार्टम करवाया जाए और पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया जाए कि ताकि मृत्यु का कारण हम जान सकें। दूसरा, जवान का सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाए और यहाँ पर हमारी विनती है कलेक्टर साहब आकर बात करें क्योंकि ये भारतीय सेना का मामला है, केंद्र का मामला है तो इसमें हाई लेवल पर बात पूछने पर ही समाधान हो पाएगा। SDM साहब भी आए थे लेकिन उन्होंने तथ्यपूर्वक बात नहीं की, हम उनकी बातों को नकारते हैं पूरे सिरे से खारिज करते हैं और बात ये रखते हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे कि उन्होंने किसी तरह से कोऑपरेट करने की बात नहीं रखी है। होज की तरफ वो सौ पहली फोन की कनाई और के शब्द में बोले हाँ। सबसे पहले उनके पास जो फोन आया था वो उनके पापा के पास आया था और उन्होंने कहा कि दूसरे जवान से गलती से गोली लग गई, कुछ इस तरह की बात रखी। मतलब सीधा ही थोड़ी बोल दी कि भाई जवान ने गोली लग गई या थोड़ी बोला? सीधा तो नहीं बोला, पहले पूछा कि उनके पापा बोल रहे हो कि हाँ थोड़ी सी कोई बात थी, थोड़ा सा रख के थोड़ी देर बाद में उन्होंने बात को गलत तरीके से इस तरह से पेश कर दिया। फिर उसके बाद ने उनके पापा ने कह दिया कि उनसे थोड़ी बात हुई, फिर दूसरी बात, तीसरी बात और 4-5 बात बदल दी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह ही बाकी
रिकॉर्डिंग उनके पास फ़ोन में है, और जब संकट परिस्थिति में ऐसी सिचुएशन होता है तो शायद मुझे नहीं लगता कि कितना भी बोल्ड आदमी वो रिकॉर्डिंग कर पाएगा। उनका 20 साल का मासूम सा बेटा शहीद हो गया, तो शायद वो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाई उन्होंने, लेकिन फ़ोन जो आया हुआ है वो ये बात बता रहे हैं। आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं भाई, एक शहीद हुआ है तो भी ऊपर तो यहाँ तो हाथ कोनी की भाई लेके तिरंगो झंडो भी कौन भेजें, तिरंगो झंडा के साथ में एक सही तरीका मान लिया जाए शहीद के तिरंगे झंडे के साथ भेजा जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ उनको बहुत गलत तरीके से पेश, सिविल एम्बुलेंस में आए हुए हैं और दो जवान, एक जेसीओ साहब और एक जवान है, वो भी सादा ड्रेस में, वो ये भी नहीं बता पा रहे कि हमारे जवान की ड्यूटी कहाँ पर थी, कितने बजे थे, कौन उनके साथ ड्यूटी पर थे। तो ये बहुत ही नियति धोखा हुआ है, और इसकी पूरा समाज, पूरा मैं पूरे राजस्थान से निवेदन करता हूं कि ये सेकावाटी वीरों की भूमि है, और आकर यहां धरने में हमारा सहयोग भी करें, जवान को न्याय मिल सके, और इसके लिए हम जब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक हम न्याय नहीं ले लेते। जिले के प्रशासन को सीकर जिले का प्रशासन से भी हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, वो तो आकर सिर्फ चीज़ों को मैनेज करने में और अंतिम संस्कार करने की बात कर रहे हैं। अंतिम संस्कार थोड़ी नहीं, ऐसे किसी भी सूरत में अंतिम संस्कार नहीं होगा ना, हम हमारी जब तक एक फौजी का साथ में यहाँ को दुरुपयोग है, तड़के ना कितना बच्चा ही तैयारी कर रही, एक अपनी जान है बस जोखिम में डाल के भाई अपनी देश की रक्षा करी, फिर बात के साथ में ये सेना को एक बहुत पवित्र समझा जाता है, लेकिन उसमें भी हो सकता है कुछ 0% ऐसे कोई अधिकारी हो सकता है जो कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा, वो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत गलत हुआ है। सेना का जवान जो फॉरवर्ड पोस्ट पे ड्यूटी दे रहा है कि मैम आप जाके देखिए वहाँ उड़ी सेक्टर में जस्ट सामने पाकिस्तान होता है, पूरे दिन वहाँ फायरिंग चलती रहती है, किस टाइम में इंसान का अंतिम समय आ जाए कुछ पता नहीं होता, और 20 साल का जवान जिसके अभी दाढ़ी करना उसने शुरू नहीं किया था, बहुत बच्चा सा, आपने फोटो देखी होंगी, और कितने दुख की बात है उस परिवार के लिए और हम सब के लिए कि उसको सम्मान ही नहीं मिल रहा, और उसके साथ बहुत गलत हुआ है, और उसका हम कारण जाने बिना यहाँ धरना खत्म नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ फौजी के साथ घटना नहीं घटी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से शुरू का जो संदेश शहीद के परिजनों के पास आया वो कुछ अलग था, उसके बाद जैसे बातें आ रही हैं, और अब उनके परिजन इतने यानी शोक की स्थिति में हैं कि वो अपनी बातों को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। जो बातें आई हैं वो ही बातें आ रही हैं, सच्चाई तो जब उनके परिजन कहीं होश में आएंगे और इस स्थिति में आएंगे कि वो सच्चाई को बता पाएंगे। ये जो भी हो रहा है, मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ इस देश की सरकारों से और जो भी व्यवस्था के लोग हैं उनसे कि एक सैनिक बिल्कुल बॉर्डर एरिया के ऊपर टेररिस्ट क्षेत्र के अंदर तैनात है, और वहाँ जिस तरह की जो बातें बताई जा रही हैं वो परिस्थिति यदि पैदा हो रही है तो उसके लिए निश्चित रूप से वहाँ का जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, वहाँ वो परिस्थितियाँ कैसे पैदा हुई, क्या कोई टेररिस्ट के द्वारा तो वो इस तरह से प्रभावित होकर के नहीं हो रहा था, कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उसको हम सीधे रूप में कह नहीं सकते, लेकिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और ये पहली दफ़ा मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं एक शहीद का पिता हूँ, मैं शहीद जब अपने प्राण देता है देश के लिए, क्या उनके परिजनों को बीतती है, उस दर्द को मैं झेल चुका हूँ, परिजनों पे क्या गुजर रहा होगा उसको मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। हुआ है ये इस हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन है, और इस काले दिन को इस क्षेत्र के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी सच्चाई को सामने आना ही पड़ेगा। सैनिक कल्याण अधिकारी ने आकर के यहाँ पे किस तरह की बात नहीं की, सबसे पहले सैनिक कल्याण अधिकारी इस तरह की जब होता है तो वो परिजनों से संपर्क करता है, यहाँ की टोटल व्यवस्थाओं के बारे में कन्विंस करता है, ये कितनी नेग्लिजेंसी हुई है। बात यह है कि ये इस तरह का क्यों हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तमाम व्यवस्था के लोग इस सैनिक के प्रति बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आज देखा तो भाई एक आज हम सब लोग यहाँ पर शहीद विक्रम यादव की शहादत पर हम सब लोग बैठे हैं। शहादत के कारणों को लेकर के आम जनता को सबको संदेह है कि विक्रम यादव की मृत्यु क्यों हुई, ये सबसे बड़ा संदेह का विषय है जनमानस में आज यहाँ पर है, और अलग अलग तरीके के बयान जो रेजिमेंट के अधिकारी हैं उनके द्वारा परिजनों को दिए गए हैं, जैसा परिजनों ने हमको बताया उसमें कॉन्ट्राडिक्ट्री है कि बार बार वो अपना बयान बदल रहे हैं। पहले इन्होंने बोला कि इसको गन शॉट हो गया,
सुसाइड किया है, किसी और ने गोली चला दी, कोविड पॉजिटिव है, अलग अलग तरीके की बातचीत की जो इनके पास में परिजनों के साथ में जो बातचीत हुई है वो संदेह पैदा करती है कि विक्रम यादव के साथ कोई ना कोई बड़ा अन्याय जरूर हुआ है। और जितने भी सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं जो भारत माता के वंदे मातरम के जयकारों के साथ में ये बताना चाह रहे हैं कि देश की सेना में जाने वाला कोई भी वीर जवान जब पहले दिन सेना में एंटर हो जाता है, सेना में चला जाता है, तो ये सब लोगों के लिए गौरव और परिवार के लिए बड़े सम्मान की बात और देश के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात होती है कि कोई नौजवान अपने जीवन को, अपने सार्वजनिक जीवन को छोड़ करके देश की सेवा में लग रहा है और उस तरीके से उस जवान की मृत्यु के बाद में इस तरीके का बर्ताव उसकी पार्थिव देह के साथ आज हो रहा है जो यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं। ना ही तिरंगे में लिपटी हुई बॉडी यहाँ पर आई, ना कोई सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई ऐसा कारण परिजनों को अभी तक बताया गया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर लग रही है, जब सेना का जवान है, जब सेना ने जवान उसको माना है, जब सर्टिफिकेट गन शॉट का है, जो भी उन्होंने XYZ दिया है, तो ये पहले से तय होना चाहिए कि किसी की पार्थिव देह ये सामान्य व्यक्ति की पार्थिव देह नहीं है, ये शरीर किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, ये उस व्यक्ति का है जिसने सेना में अपना समय दिया है, जिसने अपना जीवन दिया है। उस व्यक्ति के साथ, उस परिवार के साथ आज अन्याय को लेकर के हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और बड़ी प्रमुखता से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ, जितने भी सारे आम जनता यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारे लिए सबके लिए शर्म की बात है, शर्मनाक बात है कि एक नौजवान व्यक्ति अपना परिवार छोड़ करके देश की सेवा के लिए जाता है और उसकी पार्थिव देह भले ही कोई कारण रहा हो, ये कारण अभी इंक्वायरी का विषय है, ये इनकी कंपनी और जो भी सेना के सक्षम अधिकारी इसकी इंक्वायरी करेंगे, लेकिन परिजनों को संतुष्ट करना सबसे पहले सेना की जिम्मेदारी है जो यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ सबसे पहली जो डिमांड और जो दूसरी तीसरी डिमांड जो परिजनों ने करी है वो आपको अभी परिजनों ने बता दी है और मोटे तौर पर सैनिक सम्मान और जो पोस्टमार्टम वापस हो, जिससे परिजनों को समझ में आया कि चलो कोई भी कारण रहा होगा मृत्यु का, लेकिन जो सैनिक का एक सम्मान होना चाहिए वो सम्मान सबसे प्रमुख है। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की मांग है और सारी मांगे जो परिजनों द्वारा है वो बिल्कुल जायज मांगे हैं। हम सब लोग एक सिरे से इनके साथ में इस बात को मजबूती से रख रहे हैं कि यादव के साथ अन्याय हो रहा है, जिस न्याय के लिए उस उम्मीद में हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारी बात जहाँ तक भी जा पा रही है। मैं समझता हूँ कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो सैनिकों को सिराखों पर रखा जाता है, जवानों को और किसानों को जहाँ पर सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। मुझे लग रहा है कि सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए और जो अधिकारी यहाँ पर अभी SDO अधिकारी आए, मैंने भी उनका बर्ताव जो देखा, उनकी बातचीत का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैं सीकर जिले के अधिकारी और राजस्थान के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कम से कम जनता के प्रति जो उनका बर्ताव होना चाहिए वो बर्ताव इस प्रकार का होना चाहिए जो जनता को समझ में आए और वो जनता को पसंद हो। आप किसी जनता को भड़काने नहीं आए यहाँ पर, ये लोग शांति से बैठे हैं, ये अननेसेसरी यहाँ भड़काने की कोशिश नहीं करें, अननेसेसरी उनकी भावनाओं से खेलने की कोशिश नहीं करें और ऐसा बर्ताव परिजनों के साथ नहीं करें, भले वो SDM हो, भले वो कलेक्टर हो, भले और भी कोई अधिकारी यहाँ पर आए। अभी एक कोई कमेटी यहाँ पर बनी है जो परिजनों की तरफ से और यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनके नेतृत्व में कमेटी बनी है, वो कमेटी जैसा भी निर्णय लेगी सैनिक के सम्मान से जुड़ा हुआ। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोगों की एक ही मांग है कि सैनिक का जो सम्मान है उसको कम से कम मिलना चाहिए और यहाँ की जनता और इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। 20 साल की बाकी उम्र ही और विक्रम यादव बा को नाम होगा का पिताजी ही परिवार का लोग ही भाई ही बा, तो इस स्थिति भी कोनी की बात कर पावे, जितना लोग इजा आएडा ही लगभग हज़ारों की तादाद में इजा लोग आ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस सरकारों ये पूरा भारत तो जितनी भी प्रशासन देख रही है, एक फौज के आदमी के साथ में यह हो रही है, एक फौजी के साथ में यह हो रही है, तो फिर ये देश की जनता है भी न्याय कैसे मिलेगी। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई जो सीकर का कलेक्टर साहब हैं, पूरी प्रशासन है और जितना भी नेता लोग इन देख रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा टाइम देखी और इस जनताओं बात करें कि भाई काफ़ी सारा बच्चा को सपना हुआ है एक फौज में जान को, अपने देश की सेवा करने को, एक फौजी के साथ में एक सलूक हुआ है, तो फिर आगे के वो वीडियो है इन इतना शेयर कर दियो ताकि ये हर एक इंसान के पास में ये वीडियो है पहुँचना चाहिए और सारा सुझाव जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय राजस्थान।